ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरीय नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय ओडिशा राउरकेला से। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। और मेल करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप से ही जो प्रश्न उत्तर या कुंडली विश्लेषण हेतु ओवर फोन हो रहा है और व्हाट्सएप करते हो तो ठीक है, भले 5-6 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा और ट्रैफिक कम है तो जल्दी मिल जाएगा। मेल करते हैं तो sanjyzd75@gmail.com। चलिए आज का विषय। सबसे पहला शनि। जब शनि का महादशा हो, शनि का साढ़े साथी हो, वर्तमान समय में जिनका शनि साढ़े साथी डबल चल रहा हो या सिंगल साढ़े साथी चल रहा हो, डबल माने बताया हूं, अगर चंद्रमा नवांश में भी इस समय आपके मकर कुंभ मीन नवांश में बैठा है, ऐसे लोगों को डबल साढ़े साथी इफेक्ट रहता है। और अगर इस समय साढ़े साथी के दौरान कर्क नवांश है, वृश्चिक नवांश, वृश्चिक किनका भी बोल रहा हूं, तीनों का, तो साढ़े साथी प्लस ढैया और साथ में अगर शनि का महादशा चल रहा है, नेहले पे दहला, नीम पे करेला चढ़ा, तो नेचुरली ऐसे लोगों का ऊपर कुछ हाइपर एक्टिव सुपर सनिक साढ़े साथी लगता है और दर्द कष्ट पीड़ा असहनीय होता है। ना किसी को समझा सको, ना किसी को बोल सको, ना सह सको। और जैसे सोचो आप विगत दिनों में 5.5-6 साल के अंदर ऐसे जिस मकर राशि वालों को हुआ होगा, ढैया का नवांश में हो चंद्रमा और साढ़े साथी लग गया हो, रुला के रखा होगा, तो और ऊपर से अगर शनि महादशा हो तो ये जिंदगी में कभी कभार ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां किं कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति हो जाता है, क्या करे क्या ना करे, और हताश उदास निराश असहाय ऐसा महसूस करता है। और कई सारे लोगों के मुंह से सुना हूं शायद अपने को खत्म कर दें, आत्महत्या कर दें, शायद और कुछ नहीं होने वाला है, दशरथ मांझी वाला डायलॉग। तो अच्छा, कुछ लोगों को ये वीडियो उनके लिए है जिनका हर प्रकार का रेमेडी करके काम नहीं देता, कितना भी रेमेडी कर लिया शनि बाबा छोड़बे नहीं कर रहे हैं, भीड़ के ठोकाई पड़ रहा है, मतलब एक समस्या खत्म हुआ नहीं, दूसरा समस्या शुरू, और एक समस्या से निजात मिला नहीं, दूसरा समस्या जीवन में खड़ा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, और कभी कभार क्या होता है, रेमेडी बैकफायर इन द सेंस, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बोला और किए तो वो एस्ट्रोलॉजर को भी ठोकाई और आपको भी ठोकाई, दोनों को मार पड़े, रिवर्स एक्शन हो जाना। और ऐसा सीवियर सिचुएशन कभी कभार कई सारे शनि साढ़े साथी वालों को, डबल साढ़े साथी, ढैया साढ़े साथी, शनि महादशा मिक्स हो पड़ता है।
और वहां जहां कोई भी रेमेडी और काम नहीं करता। और कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन मैं देखा हूं कुछ जातकों का, वो रेमेडी करने से भी डरने लगते हैं। और वहां सब होता है, समाधान नहीं मिलता। आज एक भुवनेश्वर से ऐसा ही कॉल आया था, बोला इस दौरान मैं रेमेडी और एस्ट्रोलॉजी के पीछे करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक खर्चा कर चुका हूं। जो जैसा बोला, हर पूजा, हर पाठ, हर गाड़ना, बहाना दहाना और दान करना, दुपान करना, सब कुछ कर दिया, रिजल्ट कहीं से नहीं मिला। आखिरी में आपके शरण में आए हैं, कुछ रास्ता बताइए। और कम से कम नैया डूबने से बचा दीजिए, पार लगे नहीं लगे लेकिन हालत पस्त है। और बड़ा नाम सुना आपका, कई सारे लोग मेरे को YouTube से रेकमेंड दिए आपका, हालांकि मैं YouTube वगैरह उतना मानता नहीं, विश्वास करता नहीं। और ऐसा करके वो फिर मेरे उड़िया चैनल से आया था, हिंदी चैनल, बाद में उसको समझ में आया। बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, अरबपति, खरबपति, मिलियन, ट्रिलियन, ब्रिलियन, क्या क्या सब पति है। और बेचारा बहुत परेशान है, मतलब अर्श से फर्श और फर्श से अर्श वाला परिस्थिति उसका जिंदगी में हो गया। और आज के डेट में जो ऋण है वो उसके कहने के अनुसार अगर सब बेच दें तो भी रिकवरी नहीं होगा। और इस समय क्या करना चाहिए, मैं भी देखा डिटेल, सब कंडीशन उसके लिए 88%, मतलब अनकंडीशनल डेंजर जोन। शनि भी खुद बद्ध तारा में, विपद तारा, बद्ध तारा, ऐसा शनि जिसके कुंडली में पड़ गया प्रत्यारी में भी चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा झोल झमेला झंझट झगड़ा। लेकिन ये कंडीशन अब बना तो नेचुरली लाइफ पस्त होके रह जाता है। और ऐसे लोगों को समाधान दिखता ही नहीं है। एक और वीडियो मेरा आ रहा है केतु से पीड़ित, लेकिन चमत्कार यह है कि जितने भी सिम्टम उसने बताया वो सिम्टम एक भी शनि का नहीं था। और जितने एस्ट्रोलॉजर थे वो उनके आंख में शनि पड़ गया, 7.5 महादशा दिखा। कुछ लोग थोड़ा जानकार एस्ट्रोलॉजर भी हैं, 7.5 भी दिखा, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को नहीं देखे, मतलब जातक को सही से सुने नहीं। जातक क्या बोल रहा है, रोग का सिम्टम क्या बोल रहा है नहीं देखा। कुंडली देख लिया, यहां फटा है, यहां सटा है, यहां हटा है, यहां जुटा है, यहां कटा है, लगा शनि का बाप। लेकिन इस 7.5 महादशा ढैया कंटक पनौती में एक्चुअली ठोकाई कहां से आ रहा है, इसका निर्धारण वो नहीं कर रहे और बाकी सारा रेमेडी कर डाले। ये था समस्या। ऐसे ही आज एक वृष राशि वाला का कुंडली उड़ीसा का ही होगा, अभी तो नहीं, वृष नहीं, मिथुन का है, अभी तो कंटक शनि भी हट गया, चलो यहां से भी पकड़ते हैं अष्टमाधिपति नवम में। ऑडियो में वीडियो दिया हूं, आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए उस वीडियो को यहां हिंदी में शॉर्ट वे में बता रहा हूं। तो फिर मिथुन वाले क्यों कहां परेशान है, ठीक है, दसम हाउस इसका ब्लॉक होके पड़ा हुआ है, सुख का स्थान ब्लॉक होके पड़ा है, यहां तक समझ में आ रहा है। लेकिन मिथुन का कंटक जाने के बाद 1 साल हो गया, बोला कहां था तू 1 साल से, नहीं यूट्यूब देखा, लगा कि सब तो बोल रहे थे कि मिथुन का कच्चे पुअबार और पांचों उंगली घी में अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बोल के 1 साल इंतजार किया। एग्जैक्ट सेम आंसर कन्या और तुला का भी था।
सब वही बोल रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उस टाइप से सुना, इसलिए ध्यान नहीं दिया। अगला हफ्ता हो जाएगा, अगला महीना हो जाएगा, धन बारिश होगा, बोरा लेके तैयार रहो, ऊपर से कुबर बाबा डालेंगे, तुम बोरा भर देना, एकदम सब ये सब सुन सुन के कान पस्त हो गया। तो क्या करें, कुछ तो हो नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन जिनका है, लेकिन कुछ का तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है, यह प्रश्न है कि क्यों नहीं हो रहा है। चीटी काट लिया। तो सबसे पहला केस पे चलते हैं। वो जो भी सिम्टम बता रहा है, सबसे पहला बेचारा का कान नहीं सुन रहा है। अरे यार, कान ठुकाई हो गया। कान का प्रॉब्लम जिस समय बोला उसी समय तो नबज पकड़ना है कि भाई ये शनि का मार नहीं है, ये केतु का ठुकाई है। यानी इस शनि साढ़े साती महादशा में शनि केतु के माध्यम से पिटाई कर रहा है। दूसरा, उसके दिमाग में घुसा कि अगर मेरा जो पुश्तैनी धंधा है वो डाउनफॉल में जा रहा है तो शेयर सट्टा लटरी जुआ इसमें पैसा घुसड़ेंगे निकलेगा। दूसरा सिम्टम है केतु का ठुकाई, क्योंकि ये लत, ये बीमारी, ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ चारों के चारों जिसके जिंदगी में लत पड़ा है, जो इसमें रुचि रखता है, या ये जो प्रश्न कर दिया एक बार कि इससे हम सक्सेस होंगे कि नहीं, वो सिम्टम डायरेक्ट किसी भी एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में आ जाना चाहिए कि बेटा केतु का ठुकाई हो रहा है। शनि का टाइम है लेकिन मार केतु का, यानी विंशोत्तरी दशा में यहां कोई केतु का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी अगर जितने सारे अगर अदर दशा अंतर दशा को देखोगे वहां कहीं ना कहीं केतु का इफेक्ट या केतु एक्टिवेशन दिखाई दे। ट्रांजिट से भी अगर हम देखें दशम का, कैरियर का, अभी नवम में जाएगा एज ए मकर। हां, मीन अष्टम का ये कह सकते हैं कि बाधक स्थान में है। तो ये कहीं ना कहीं से इस सिम्टमिक ट्रीटमेंट को जब तक हम जातक को सही से नहीं सुने, पेशेंसफुली सुनना और समझना कि यार बोल क्या रहा है, ये कुंडली में क्या है, ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन उसके मुंह से क्या निकल रहा है। तीसरा, वो बोल रहा है कि मेडिसिन खाए थे, बीमारी पता नहीं चला और ढूंढ रहे हैं। अब देखो, राहु का ठुकाई होता तो दोनों में बीमारी पता नहीं चलता है, एक मेडिसिन ओवर रिएक्ट करता है, एक में रिएक्ट नहीं करता है। राहु सब मेडिसिन हजम कर लेता है, खुद जहर है तो ड्रॉग्स राहु के अंतर में आते हैं, जो हजम कर, केतु रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ये तीसरा सिम्टम है। तो ये छोटे छोटे बात हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। चौथा बोल रहा है बाल झड़ रहा है, टकलू हो गया। पांचवा बोल रहा है कि बूढ़े हो गए, बूढ़ा हो गया उसका चेहरा। तो ये जितने सारे सिम्टम आप देख लो, अगर जो एस्ट्रोलॉजर ये नहीं समझा कि इस दौरान साढ़े साती तो है लेकिन जो हिट हो रहा है ये सारे सिग्नल्स केतु का है, एक भी ना राहु का है ना शनि का है। चौथा बोल रहा है, अभी ये क्या बोल रहा है, शरीर सर भारी नहीं लग रहा है, बदन भारी लग रहा है। सर भारी राहु का इफेक्ट है, बदन भारी केतु का इफेक्ट है। अब इस प्रकार का जो भी वो सिम्टम मैं आप सबको बता दे रहा हूं। अच्छा, स्किन इन्फेक्शन डिजीज, लिंग द्वार के साइड में, मल द्वार के साइड में, पैर के निचले हिस्सा में क्या हुआ है, स्किन इन्फेक्शन। केतु माने इन्फेक्शन, केतु माने कीड़ा, केतु माने वायरस, इन्फेक्शन, लेकिन ट्रीटमेंट गलत, रिएक्शन ज्यादा। नेक्स्ट सिम्टम क्या बता रहा है, स्पाइन पे प्रॉब्लम है, लोअर वर्टिब्रा सी, कितना बोला, सी 36 ऐसा अफेक्टेड है।
पेशेंट तो सामने था नहीं, मैं उसको बोला कि बाएं लेटो दाएं लेटो और पैर उठाओ, साइटिका नर्व चेक करवाओ। मेरे जितना हो सके पेशेंट नहीं था, तो साइटिका इफेक्ट नहीं है लेकिन स्पाइन का प्रॉब्लम है, खिंचा हुआ है एक तरफ। तो ये सभी सिम्टम्स एक भी डायरेक्ट सनी रिलेटेड नहीं है। तो बाप ये केतु अफेक्टेड शनि साढ़े साथी, और वहीं उसको यहां से जो भी मंत्र का और जो भी बताना था बताया, और मैं बोला 24 घंटा में मेरे को रिजल्ट बताओ, और उसको एक्यूप्रेशर दिया कान के लिए, बोला ये रंग लगाओ यहां पर, और स्पाइन के लिए उसको वो व्यायाम बताया, काला सूता बंधवाया, जो जो ऑनलाइन हो सकता था, फिजिकली होने से तो अलग था, और वो बेचारा भी आएगा उसका पूजा के लिए। और उसके बाद एक ही ट्रीटमेंट, मैं बोला देखिए सब कुछ हो गया है, अभी ये सब आपको रिपीट नहीं करवाना है, आप उसके लिए हाई पावर मेडिसिन नहीं चाहिए, बहुत हाई पावर मेडिसिन खाए हो, बड़े बड़े पूजा पाठ है, यज्ञ हवन पत्थर उत्थर सब पहने हो, उतार दें। बोला हम कौन, हम पहनाए नहीं तो उतारोगे क्यों। बोला आज से एक काम करो, जो भी बुजुर्ग आ जाए, तुम्हारा चाचा चाची ताऊ ताया फुफा फुफी जो भी आ जाए, आज से पैर छू के प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। जब सब रेमेडी फिनिश्ड, एक रेमेडी स्टार्ट, और वो क्या है, आशीर्वाद रेमेडी। यहां शनि नेचुरली पैसा वाला था तो अकड़ रहेगा, बड़े बड़े कार दिखाता होगा, सोना हीरा सब अंगूठी दिखाता होगा, माला वाला पहन के सोबाजी करता होगा, अब टंका कर दिए मुंह बंका, जिसका ज्यादा पैसा हो गया वो किसी को सुनने मानने वाला होता नहीं है। लेकिन जब ये ठोकाई पड़ने लगा, सब गया हाथ से धीरे धीरे, तो भी नहीं झुक रहा है। तो जो अकड़ है उसको छोड़ो और जाओ, सबको आज से सुबह जो भी मिल जाए, और पंडित ब्राह्मण गुरु बॉस जो भी तुमसे बड़े हैं, उनका चरण स्पर्श करो। दूसरा ऐसा एक व्यक्ति ढूंढो जिसके चरण में लंबा लंबा सो सकते हो, तुम्हारे सारे अहंकार वहां नाश हो। बोला ऐसा कौन, बोला तुम गुरु बनाओ। ये जो भी मैं बता रहा हूं झुक जाना, तो जिस पेड़ में फल ज्यादा होता है वो झुक जाता है, और जो पेड़ बांझ होता है वो झुकता नहीं है, खड़ा रहता है। बड़े बड़े बवंडर हवा आते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के ले जाते हैं, लेकिन वह घास या बांस जो हवा के बबंडर में झुक जाता है उनको उखाड़ नहीं पाता, तोड़ नहीं पाता। लॉ ऑफ नेचर भी ठीक ऐसा ही है, जब आप जिंदगी में झुकना सीख जाते हो तो फिर आपको कोई भी दुष्काल दुखकाल उखाड़ नहीं सकता, और आपको बल्कि और मजबूत कर देता है। कभी पूरी जगन्नाथ धाम जी के समंदर में नहाओगे ना, समंदर के लहर के सामने छाती उठा के दिखाओगे तो उठा के फेंकेगा कि बाहर बालू में धड़ाम, कमर तमर तोड़ देगा। लेकिन जो व्यक्ति समंदर के सामने झुक जाता है, सर नीचे करके बैठता है, पानी के उसके ऊपर से चला जाता है, और वो फिर खड़ा हो जाता है, और धरती में सबसे बड़ा अगर कोई शक्ति है वो आशीर्वाद का शक्ति है। मैं बड़े बड़े बुजुर्गों को, बड़े विज्ञ पंडित प्रवरों को सुना हूँ, शनि आए तो पिता का चरण छूना चालू कर दो, शनि आए तो अपने माँ का दादा दादी का चरण छूना चालू कर दो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु के शरण में चले जाओ, साष्टांग प्रणिपात करो, किसी भगवान ठाकुर जी के मंदिर में जाके माथा नमने से अच्छा है इन लोगों के चरण में बड़े भाई पिताजी, बड़े पिताजी से लेके
जो भी सगे संबंधी हैं, इवन इफ दूर के संबंधी हैं, कजन बड़ा ब्रदर भी हो, उसका उसका बहन का फोसा का फूसी का मौसी का बेटा कोई भी, या संबंधी के घर के ससुर सास, और ऐसे लोगों को तो मेरा सबसे ज्यादा एडवाइस, केतु इफेक्टेड, देखो रूल तो है कि ससुर का पैर नहीं छूते हैं, हम पंडितों में होगा है लेकिन आप लोगों का मुझे नहीं पता। एक ही है, उन्हीं का आशीर्वाद आपको शनि के इस प्रकार के शनि प्लस केतु का पीड़ा से बचा सकता है, दूसरा किसी में दम नहीं है। लेकिन उसके लिए ससुर को भी कष्ट भुगतना पड़ता है, ससुर माने केतु, नाना नानी माने केतु, मीन्स उस साइड का पार्ट को। कुछ लोग ससुर को राहु भी बोलते हैं, एनीथिंग इट मे बी, वो चाहे जो भी हो। तो ये कहने का तात्पर्य यही है, झुकना सीखिए, पैर पड़ना सीखिए, आशीर्वाद लेना सीखिए, और पंडित का पैर छूते हो तो कुछ दक्षिणा दे के, और कोई भी ब्राह्मण आ जाए, और इन दौरान काला ब्राह्मण मिल जाए, काला पंडित, तो जरूर सदक्षिणा सहितेन प्रणिपातेन आशीर्वाद लेना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर गुरु है तो गुरु के चरण में पहले भेटी रखो और प्रणाम करो, बिना भेटी का गुरु को प्रणाम नहीं करना, खाली हाथ में गुरु के घर देवालय गुरु गृहे न गच्छति, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये झुकना, शरणापन्न होना, साष्टांग प्रणिपात करना, अपने अहंकार का नाश करना, ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो बड़े से बड़ा रेमेडी का बाप है ये, लेकिन ये अभ्यास में, आदत में डालना पड़ता है। मेरे दादाजी बोला करते थे, उनके साथ बचपन में बहुत घूमा, कहीं जाते थे तो बोले चरण छू, तो एक दिन बोले कि आज बेटा चरण छू ले, पता नहीं कल तुम्हारे सामने कोई चरण छूने के लिए होगा ही नहीं, किसका छूओगे, और इतना आशीर्वाद ले ले कि कल जब तेरे लोग चरण छुएंगे तो तेरा एक आशीर्वाद हजारों टोटके और रेमेडी का बाप हो। और आज मौका है, आशीर्वाद ले लिया करो, पता नहीं कल तुम बड़े हो जाओ और तुम्हारे सामने कोई बड़े हो ही नहीं, और कल तुम बूढ़े हो जाओ और तुम्हें कोई आशीर्वाद देने के लिए हो ही नहीं। इसलिए ये जीवन को धन्य करो, आज के समय में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छू के। तो उस दिन से ये मेरा आदत है, आज भी है, कि मैं अपने पिता का चरण छूं, मेरा माँ को सुबह उठते ही चरण छूं, मेरा चाचा चाची का भी चरण छूं, मेरे साथ पास में ही रहते हैं, और जो भी दूर के संबंध रिलेटिव्स कोई आते हैं घर में तो चरण छूता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। तो इसलिए धन्यभागी हूं मैं, और पंडित प्रवर मंदिर के, हम लोग इधर नौना बोलते हैं, तो ऐसे कुछ नौना लोग हैं जो हम लोगों से थोड़ा सा नीचे ब्राह्मण के हैं, ब्राह्मणों में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ऐसे भी हैं जहां पंडित लोग उनके घर में पानी नहीं पीते, तो मैं उनका भी चरण छू लेता हूं क्योंकि मंदिर का सेवा कर रहे हैं, तो वो मना करते हैं मेरे को, आप ऐसा क्यों करते हो, लेकिन करते हैं। कुछ मतलब ब्राह्मण से इतर जात के भी हैं, उनका भी छूता हूं, तो वो लोग भी मना करते हैं, आप मत छूओ डर लगता है, मैं बोलता हूं तुझे नहीं छू रहा हूं, तू तो शरीर मात्र है, तेरे अंदर का चेतना, तेरे अंदर का ज्ञान और तेरे अंदर का आत्मा, उसे छू रहा हूं, उसे सम्मान दे रहा हूं। एक टाइम में मैं जब स्टील प्लांट में था, मेरा बॉस
मेरे से उम्र में कम था, तो आई रेस्पेक्ट हिम, नमस्कार वगैरह करता हूँ। तो बोलते हैं, एक तो सर पंडित जी हो आप, ऊपर से आपका उम्र में मेरा मेरा बाप आपका उम्र का है, और आप चर मेरे को नमस्कार करो अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला, बेटा बॉस ऐसा है ना, आई रेस्पेक्ट टू माई सन, मेरे कुंडली का सूर्य जो है ना वो तुम बॉस के रूप में हो, और इसीलिए आई रेस्पेक्ट दैट चेयर एंड आई रेस्पेक्ट यू। इस चेयर में कल मेरा बेटा भी बॉस के रूप में आएगा तो भी मैं उसे रेस्पेक्ट दूंगा। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला क्या बात है, क्या ज्ञान है। मैं बोला, एट एनी कॉस्ट मैं मेरा बॉस का निंदा नहीं कर सकता। मेरा बॉस का निंदा माने मेरे कुंडली का सूर्य को निंदा, और उससे मेरा कुंडली गलत फल देगा। इसलिए बॉस के विरुद्ध में नहीं बोल सकता, बॉस को अपमान नहीं कर सकता, बॉस को अपमानना नहीं कर सकता, क्योंकि आप बड़े हो, पढ़ के आए हो इसलिए नहीं, या प्रमोशन हो गया इसलिए नहीं, बल्कि मेरे लिए वो गद्दी वो सीट पूज्य है। ये औदा का खेल है, सूर्य का खेल है। तो ऐसे ही आप सभी को मेरा अनुरोध है, एक ऐसा रेमेडी जिसका कोई तोड़ नहीं, और आशा करता हूं मेरे भाव को आप समझे होंगे, और ये करके देखिए, ज्यादा दिन नहीं, जिस समय पैर छूओगे उसी पल आपके अंदर एक ऊर्जा आएगा। याद आ गया, दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम, साउथ एशियन कराटे टूर्नामेंट, उस समय इतना मेहनत करा दिए थे हमारे सर, हमारे कराटे का गुरु, कि मेरा HG हीमोग्लोबिन कम हो गया था, और उसके लिए मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस टूर्नामेंट बाउट को तालकोटरा में जीत पाऊंगा। और तालकोटरा में मेरे को आज भी याद है, होल नाइट बाउट था, बाउट मैंने फाइट इवेंट्स था, और मैं रात को, मेरा बाउट 11 बजे से शुरू हो गया, नाइट होल नाइट लड़ना है, एक एक बाउट जाता रहेगा, नाम नंबर बुलाते रहेंगे तालकोटरा में। तो लड़ते लड़ना के लिए देख रहा हूं कि मेरे बॉडी में ताकत नहीं है। मेरा गुरु कराटे का समय तपन विश्वास जी, अभी वो बेंगलोर में हैं बेचारे, बहुत उम्र हो गया, उनके बेटा के साथ शायद हैं, बहुत दिन से और नहीं मिला। मैं उनका चरण छुआ, मेरा गुरुजी मेरे सर पे हाथ रखे, पीठ में हाथ रखे, यू नेवर बिलीव, इतने दुर्बल अवस्था में भी तालकोटरा गार्डन, तालकोटरा स्टेडियम में मेरे ओपोनेंट का ऐसा ठोकाई किया, सुबह 3 बजते बजते वो विनर लिस्ट फाइनल में मैं सिलेक्ट हो चुका था। दूसरा दिन फाइनल होगा, एक दिन रेस्ट दे के दूसरा दिन फाइनल देंगे। तो ये आशीर्वाद का ताकत है कि दुर्बल को भी मजबूत बना देता है, हारे हुए को भी जिता देता है, और जिसमें कुछ नहीं है उसके अंदर भी बहुत कुछ भर देता है। ये संध्या काल में कह रहा हूं, वो आशीर्वाद का ताकत क्या है उस दिन, ये मैं कह रहा हूं आज से 25-30 साल पहले का कहानी है, ये सत्य घटना। आशीर्वाद का ताकत क्या होता है, कैसे करंट फ्लो होता है, ऐसे और भी अभी मेरे दिमाग में और भी जहन में आ रहे हैं। ऐसे कोई एक बड़ा सा लिटिगेशनल प्रॉब्लम में था मैं, उस समय डिस्प्लेस, हमारा जो पॉलिटिकल कमेटी था डिस्प्लेस, उसका मैं प्रेसिडेंट था, और वो एक बड़ा लिटिगेशनल फाइट था। उस समय अर्जुन सिंह जी स्टिल मिनिस्टर थे, और मेरे को कुछ बदमाशी करना था वहाँ, लेकिन मोरली कहीं ना कहीं से मैं थोड़ा डाउन चल रहा था, और मैं बोला, देखो ऐसा ऐसा है, अंदर गया तो आप निकलोगे, अरे तो नहीं घुसेगा, और मैं चरण छुआ और निकल पड़ा उस काम के लिए, वो आशीर्वाद। अर्जुन सिंह जी खुद उस समय स्टील मिनिस्टर, हमारे राउरकला हाउस है जहां पर उनको रखा गया था, वो मैं इतना सारा बदमाशी करने के बावजूद भी पर्सनली बुलाए और समझाए मेरे को। तो मेरे पूरे जो हमारा जो राजनीतिक पार्टी था डिस्प्लेस वालों का, डिस्प्लेस मीन्स
जैसे स्टील प्लांट बना और हमारा ज़मीन चला गया था, तो उसके बदले जो हमारे लोगों को नौकरी वगैरह मिलना था वो नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मैं एज ए प्रेसिडेंट फाइट कर रहा था। और वो सारे लोग जितने मेरे जिंदाबाद वाले थे, जनता जनार्दन, वो लोग देख के आश्चर्यजनित हुए कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि इस एलिगेशन के बाद, इस रोड शो के बाद सबको अंदर किया जाएगा, यहाँ तो गेम चेंजिंग ही हो गया। और उस बैच में 90s का बैच है, मेरे को याद है 90 में राउरकेला स्टील प्लांट में बहाली हो गया, कुछ बच्चों को नौकरी भी मिल गया। जो असंभव है वो संभव हो जाता है, आशीर्वाद का शक्ति है। ऐसे ही जीवन में बड़े सारे अनुभव हैं आशीर्वाद के, चरण छूने के। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे मित्र बंधु, आशीर्वाद लेना सीखें, बड़ों का चरण छूना सीखें, अपने माता पिता का चरण छूने का अभ्यास बनाएं, और फिर बताओ मेरे को कि क्या है ये सारे ज्योतिषीय दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा इत्यादि, कुछ माने नहीं रखता इसके आगे। संध्या काल में आचार्य पंडा बोल रहा है, आचार्य संजय जी बोल रहा है, झुकना सीख जाओ, जीत जाओगे, खड़े रहोगे तो उखड़ जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार, अंधेरा हो गया।